हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का। टॉपिक का नाम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपी हुई, और फ्यूजन का मतलब आपको पता ही है, जब सॉलिड से मेल्ट में चेंज, लिक्विड में चेंज होती है, कोई चीज मेल्ट होती है तो उसे हम फ्यूजन कहते हैं। नाउ व्हाट इज दिस हिडन हीट ऑफ ड्यूरिंग फ्यूजन, कौन सी हीट होती है, इसको समझने के लिए बच्चों छोटी सी एक्टिविटी को समझने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, ये बीकर है, इसके अंदर ये आइस प्रेजेंट है, ये मैंने थर्मोमीटर सेट किया है, नीचे बर्नर है और ये आयरन स्टैंड है। देखिए, जब हम इसको हीट दे रहे हैं तो आइस के जो क्यूब्स है वो धीरे धीरे बदलेंगे किसमें, वाटर स्टेट में। आइस धीरे धीरे वाटर स्टेट में बदलेगा, लेकिन आइस का टेम्परेचर क्या रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस। वो 0 डिग्री सेल्सियस कब तक नहीं आएगा, जब तक कि सारी की सारी आइस जो है वो पानी में कन्वर्ट ना हो जाए। अगर कुछ भी आइस अगर पानी में कन्वर्ट होने से रह जाती है, बच जाती है, तो वो टेम्परेचर राइज तब तक नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लेटेंट हीट जो है वो एनर्जी है, इट इज द एनर्जी which is required to break the force of attraction between the particles. FOA का मतलब हुआ force of attraction between the particles. ठीक है, बट इट डज नॉट हेल्प इन राइज ऑफ द टेम्परेचर, बट इट डज नॉट हेल्प इन राइज द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर बढ़ाने में हेल्प नहीं करती, ये है एनर्जी, वो एनर्जी है जो केवल पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करेगी। तो देखिए, यहाँ पे जो हीट सप्लाई कर रहे हैं हम, अगर हीट दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल का, इसका टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए थर्मोमीटर पे, पर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं वो हीट जो है वो टेम्परेचर को बढ़ाने में यूटिलाइज ही नहीं हो रही। तो वो हीट कहाँ यूटिलाइज हो रही है, वो हीट यूटिलाइज हो रही है आइस के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जितना स्ट्रॉन्गली आइस के पार्टिकल्स बाउंडेड है एक दूसरे से, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में वो हीट यूटिलाइज हो रही है, इसीलिए वो छुपी हुई हीट है, और इसीलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, लेटेंट हीट उसको बोल रहे हैं। ओके, तो व्हाट इज लेटेंट हीट, अब जैसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगी वो ये हो जाएगी, the energy which is required to change 1 kg of solid into liquid state, 1 kg of solid into liquid state at atmospheric pressure at its melting point, is called latent heat of fusion. तो वो हीट एनर्जी जो कि पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में काम आ रही है, ना कि टेम्परेचर बढ़ाने में काम आ रही है, तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह रहे हैं। देखिए बच्चों, जो आइस होती है उसके लिए जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो कितनी है, उसको नोट डाउन करते हैं। फॉर आइस द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज, फॉर आइस द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज, the latent heat of fusion is
द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 3.34 इंटू 10^5 जूल्स पर केजी। ठीक है, तो 3.34 इंटू 10^5 जूल्स पर केजी जो है वो आइस की लेटेंट हीट है। ठीक है, यानी कि इतनी जो हीट है वो यूटिलाइज होती है टू ब्रेक डाउन द पार्टिकल्स, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आइस पार्टिकल्स। आइस पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी हमें देनी पड़ती है। जब सारे आइस पार्टिकल्स ब्रेक हो जाते हैं, जब सारे के सारों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है तो वो चेंज हो जाता है लिक्विड स्टेट में, और उसके बाद में जो भी आप टेम्परेचर दे रहे हो, वो टेम्परेचर जो भी आप एनर्जी दे रहे हो वो एनर्जी यूटिलाइज होती है टेम्परेचर बढ़ाने में। ठीक है, तभी तो क्या कहा गया, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर ही, उसमें बढ़ाना नहीं है। तो एक क्वेश्चन और बनता है बच्चों कि एक बार बताओ कि अगर हम जैसे ठंडा करना होता है, जैसे कोई चीज गर्म लग गया आपको, कहीं जल गया, तो ठंडा पानी ज्यादा इफेक्टिव होता है या आइस ज्यादा इफेक्टिव होती है? आइस ज्यादा इफेक्टिव होती है, कारण क्योंकि आइस के पास में इतनी एनर्जी जो है वो क्या है, कम है, वो इतनी एनर्जी कम रिलीज कर रही है, तो चीज जो है वो आपका जो बर्निंग पोर्शन हुआ है वो कम टाइम में जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन जो बनता है, या तो पेट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि व्हाई द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट और ड्यूरिंग द चेंज ऑफ आइस इंटू वॉटर। क्यों टेम्परेचर कॉन्स्टेंट क्यों रहता है? सिंपल सा आंसर है, टेम्परेचर इसलिए कॉन्स्टेंट रहता है बिकॉज द हीट एनर्जी विच वी आर सप्लाइंग इज यूटिलाइजिंग इन ब्रेकिंग डाउन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आइस पार्टिकल्स, इट इज नॉट यूटिलाइजिंग इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अंडरस्टूड? तो ये हमने पढ़ा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसमें अगर थोड़ा सा अगर हम चेंज करें बच्चों, तो अगर हमने आइस को वाटर में चेंज किया तो जो वाटर है वो भी वेपर्स में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, देखिए जो उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, व्हाट वी कॉल इट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके सिलेबस के हिसाब से बहुत ज्यादा काम की चीज है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, आइस नहीं है, केवल वाटर पार्ट मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये हमने थर्मामीटर सेट कर दिया। अब क्या होता है, वाटर भी चेंज होगा किसमें, वेपर्स में। तो जब वाटर वेपर में चेंज होगा तो स्टीम बनेगा, स्टीम बनने के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। पर वो 100 डिग्री सेल्सियस कब आएगा, जब सारा का सारा पानी वेपर फॉर्म में या स्टीम की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जब तक सारा पानी स्टीम की फॉर्म में चेंज नहीं होगा तब तक टेम्परेचर भी राइज नहीं होगा। और वो टेम्परेचर राइज क्यों नहीं हो रहा, वो टेम्परेचर राइज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं वो किसमें यूटिलाइज हो रही है, वो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है इन ब्रेकिंग डाउन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वॉटर। तो वॉट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज, the energy which is required to change 1 kg, the energy which is required to change 1 kg of water या 1 kg of liquid into gaseous state at atmospheric pressure at its boiling point, atmospheric pressure at its boiling point, वहां क्या था melting point, यहां क्या है boiling point, at its boiling point is called latent heat of vaporization, is called latent heat of vaporization। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, कि वो एनर्जी कहाँ यूटिलाइज हो रही है, द एनर्जी इज यूटिलाइजिंग इन ब्रेकिंग डाउन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। और जब वाटर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा और सारे वाटर पार्टिकल्स जो है
वो स्टीम में बदल जाएंगे, गैसियस स्टेट में बदल जाएंगे। अब सारा वो वाला काम हो गया, अब जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ यूटिलाइज होगी, अब वो एनर्जी यूटिलाइज होगी टेम्परेचर बढ़ाने में, तो उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसी से एक क्वेश्चन और बनता है कि विच विल गिव सीवियर बर्न्स, स्टीम और बॉइलिंग वाटर। किसके अंदर से अगर आप हाथ डालो किसी गर्म, ऐसा करना नहीं कभी भी, पर अज्यूम करो कि गर्म पानी में हाथ जाए और स्टीम में हाथ जाए, तो किसके अंदर बर्निंग ज्यादा होती है, एक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर रहता है कि बर्निंग विल बी मोर इन स्टीम। कारण क्या है? क्योंकि स्टीम के अंदर लेटेंट हीट प्रेजेंट है, स्टीम हैज एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी किस फॉर्म में है, लेटेंट हीट की फॉर्म में है। इसलिए बिकॉज द स्टीम कंटेन्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सो द बर्निंग विल बी मोर सीवियर इन केस ऑफ स्टीम दैन बॉइलिंग वाटर। ये क्वेश्चन बनता है बच्चों, इसको थोड़ा सा अच्छे से करना, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे इफेक्ट ऑफ, नहीं सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे सब्लिमेशन।